दोस्तों भारत आर्थिक स्तर पर कई दक्षिण एशियाई देशों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और दूसरा भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों की वजह से इन देशों को हम काफी आर्थिक सहायता भी देते हैं, जो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार है। पर कई बार ओपन ट्रेड पॉलिसी से भारत को नुकसान भी काफी होता है और इसी का एक उदाहरण हम आज देख सकते हैं, जिसके तहत भारत ने एक काफी बड़ा बैन नेपाल ऊपर ठोक दिया है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर टाटा ग्रुप की तरफ से एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट को लेकर है, जो यूरोप के एक ताकतवर देश में भारत की बढ़ती आर्थिक पहुंच और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को साफ तौर पर दर्शाता है, क्योंकि टाटा ग्रुप का यह इन्वेस्टमेंट मौजूदा समय में इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध और कई दूसरे वैश्विक कारणों की वजह से इस यूरोपियन देश को आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इन दोनों ही खबरों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश के अंदर टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है, खास करके भारत के बड़े शहरों में तो इनकी कीमतों पर किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा। अब सप्लाई और डिमांड चीन में आई परेशानियों की वजह से भले ही टमाटर की कीमतों में इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा हो, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर नेपाल और चीन काफी गंदा भारत के साथ खेल खेल रहे थे, ताकि ये देश भारतीय नागरिकों से उनकी मेहनत का पैसा छीन सके और किसी को पता भी न चले। दरअसल जब भारतीय सरकार को इस बात का अंदाजा हुआ था कि देश के अंदर कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सब्जियां और खास करके टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, तभी हमने इनके इम्पोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था और ये बात साफ कर दी थी कि नेपाल से हम कोई भी सब्जी नहीं खरीदने वाले। लेकिन अचानक से इस बात की रिपोर्ट सामने आती है कि नेपाल से दो ट्रक भर के टमाटर भारत की सीमा में दाखिल हुए और कस्टम डिपार्टमेंट के लोगों ने इसे क्लियर भी कर दिया, जो कानून का सीधा उल्लंघन है। फिर जैसे ही ये मामला हाईलाइट हुआ, बिल्कुल वैसे ही सरकार ने एक्शन लेते हुए इन सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जिन्होंने पैसे लेकर नेपाल से आए टमाटर से भरे ट्रकों को क्लियर किया था। और अब नेपाल पर और भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसके तहत हम नेपाल से आने वाले किसी भी टमाटर या सब्जी के ट्रक को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा माल नेपाल और चीन की तरफ से आ रहा है, जो अपने सस्ते टमाटर भारत से 5 से 10 गुना तक ऊंची कीमतों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे थे, जिसकी वजह से अब भारत ने नेपाल से आयात की जाने वाली इन सब्जियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध ठोक दिया, ताकि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचा सके। बता दें कि इसी दौरान नेपाली सरकार की तरफ से अपने पार्लियामेंट के ऊपर हाउस को भेजे गए एक लेटर में ये बात कही गई कि भारत और चीन के साथ ओपन बॉर्डर आज नेपाल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसकी वजह से नेपाल को ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग डीलिंग और आर्म्स स्मगलिंग का सामना करना पड़ रहा है, जिससे निपटने के लिए उन्हें जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। कुल मिलाकर ट्रेड को लेकर और बॉर्डर को लेकर भारत और नेपाल आपस में इस समय भिड़ चुके हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। यह खबर टाटा ग्रुप की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इसके तहत हम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अब एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में है। बता दें कि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप दक्षिणी पश्चिमी इंग्लैंड में $5.2 बिलियन की कीमत पर इलेक्ट्रिक बैटरी की गीगा फैक्ट्री सेटअप करने जा रहा है, जो ब्रिटेन में भारत की तरफ से किए गए अब तक के कुछ सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में से एक होगा। बता दें कि इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए टाटा ग्रुप ने स्पेन की कंपनी को हराकर ये बात साबित कर दी कि हमारी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन के लिए ज्यादा अच्छा होगा, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार टाटा ग्रुप के इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी पॉजिटिव रुख रखती है। साथ ही वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ये फैक्ट्री साल 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगी और यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा और इस प्लांट में 4,000 से भी ज्यादा लोग काम करेंगे, जो ब्रिटेन की मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए काफी बड़ी बात है। हमारे इन्वेस्टमेंट से न सिर्फ ब्रिटेन के अंदर 4,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, बल्कि वाइडर सप्लाई चेन में भी लाखों लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही भारत द्वारा सेटअप की जाने वाली इस इलेक्ट्रिक बैटरी प्लांट की वजह से ब्रिटेन का इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम भी मजबूत होगा, क्योंकि इस प्लांट के ऑपरेशनल होने के बाद ब्रिटेन ज्यादा बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर सकेगा, जिसे ध्यान में रखते हुए ये बात कहना गलत नहीं होगा कि टाटा ग्रुप की ये इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए एक लाइफ सेवर का काम करेगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत और ब्रिटेन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी बड़े स्तर पर साझेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका फायदा हमें दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। साथ ही टाटा ग्रुप की इस इन्वेस्टमेंट से हम यूरोप के अंदर भी अपना प्रभाव बढ़ा सकेंगे, जो लॉन्ग टर्म में भारत को अपने इंटरेस्ट हासिल करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, भारत द्वारा नेपाल पर लगाए गए बैन के ऊपर और टाटा कंपनी द्वारा ब्रिटेन में किए गए इस मेगा इन्वेस्टमेंट पर
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।